पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश आए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होने पर सरकार और ईडी को फटकार लगाई है। गैर जमानती वारंट पर भी गिरफ्तारी नहीं होने के कारण फटकार लगाई गई है। आदेश के बावजूद क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। धर्म सिंह छोकर और उसके बेटों पर जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले हैं, तो जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होने पर सरकार और ईडी को फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है, आदेश के बावजूद आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, गैर जमानती वारंट पर भी गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पूछे गए हैं और फटकार भी लगाई गई है। देखिए, गैर जमानती वारंट था फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, आदेश जारी कर दिए गए थे उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको लेकर सवाल पूछा है हाईकोर्ट ने। धर्म सिंह छोकर और उसके बेटों पर जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों में ये एक्शन जो है वो लिया गया है।